सीधे लाइव जुड़े हैं लखनऊ से। निगहत साहब, आपके इस बयान के सीधे सीधे क्या ये मायने निकाले जाएं, ये मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि क्या दिल्ली की तरह प्रदर्शन लखनऊ में भी होगा जो आपने कहा? एक बड़ी पंचायत हम मुजफ्फरनगर में कर रहे 5 सितंबर की जी, और वहां पर हम निर्णय लेंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बहुत स्टेट टू में बहुत स्टेट की भी दिक्कतें हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, 5 साल हो गए। ऐसा तो नहीं होगा कि महंगाई नहीं बढ़ी, यहाँ पे खरीद भी नहीं होती किसान की, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे आलू का किसान हो, बाजरे का हो, मक्का का हो, धान का किसान हो, गेहूँ का किसान हो, उसकी भी बड़ी समस्या है। यहाँ पर बिजली के रेट भी पूरे देश में सबसे महंगे, एग्रीकल्चर के घरेलू बिजली के सबसे महंगे रेट उत्तर प्रदेश में है। तो हम अपनी बात उठावेंगे, गांव में जाएंगे, यहाँ पे मीटिंग करेंगे। और दिल्ली का आंदोलन तो चल ही रहा, दिल्ली के आंदोलन का ये है कि भारत सरकार हमसे बातचीत करें, उसका समाधान निकाल लें। उत्तर प्रदेश के भी इशू है, उत्तराखंड के भी अपने अलग इशू है, जो उत्तर प्रदेश में है उत्तराखंड के उसके अलग इशू है, क्योंकि वहाँ पर हिल स्टेट आएगा, वहाँ की भी 5 पॉलिसी हमने सरकारों को बना के दी है जी। तो नए मुख्यमंत्री बने, उस पॉलिसी पर काम करो, आपके भी 4-5 महीने भाई काम करके दिखाओ। तो ये हमारा वो है कि बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। यानी निकेत साहब, आपका ये कहना है कि 5 सितंबर की पंचायत के बाद आप लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, इसकी रूपरेखा तय करेंगे? ये हाँ, तय करेंगे, सारी रूपरेखा तय करेंगे जी। लेकिन टिकैत साहब, ये कहा जा रहा है कि ये तो सितंबर के महीने में अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो आपकी ये सियासत है, ये राजनीति करार दे रही है। बीजेपी कह रही है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए लखनऊ में आकर अब आप अपने आप को और बड़ा करना चाहते हैं। क्या कहना है इन आरोपों पर बीजेपी के? बीजेपी देखो, हमने बार बार ये कहा, अगर सरकार देश में बीजेपी की होती तो वह तो हमारी बात जरूर सुन लेती। देश में तो बीजेपी की सरकार रही थी, देश में सरकार है कंपनी की, जिस हमारा कंपनी के खिलाफ है। ये कंपनी सरकार देश में नहीं रहेंगी, कंपनियों की सरकार है। सरकार अगर किसी पार्टी की होती, कांग्रेस की होती, बीजेपी की होती, समाजवादी की होती, वे तो बातचीत करती थी ना सरकार। तो जो सरकारें धरातल से उठ के आई, जो सरकारें ग्राउंड लेवल से आए, जो लोग आए, जिन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने फिर एक विचारधारा के साथ में सरकार बनाई, वे तो गांव के लोगों से, किसान से, व्यापारी से, नौजवान से, महिलाओं के इशू पे सबसे वे बातचीत करते। लेकिन वो तो है नहीं, सरकार को तो कंपनी चला रही है। नहीं तो आप लखनऊ पहुंचे और यहाँ भी आपने आते ही ऐलान कर दिया, क्या यहाँ पर आपने प्रदेश सरकार से जुड़े जो मुद्दे थे उन पर प्रदेश सरकार से बात करने की कोशिश की टिकैत साहब? अजब, प्रदेश सरकार से तो बात हो ही रही पिछले 5 साल से जी। भाई गन्ने का रेट बढ़ाने चाहिए क्या? भाई इससे पहले भी रेट बढ़े होंगे, इससे पहले भी सरकारें रही होंगी, उन्होंने भी रेट बढ़ाए होंगे। भाई मायावती की सरकार रही तो उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 80 रुपये बढ़ाए, अखिलेश रहे तो उसने भी करीब 40-50 रुपये बढ़ाए। योगी जी उनसे कमजोर तो है नहीं किसी माने में, सबसे ज़्यादा सीटें इनको आई, देश की जनता ने की, हमारे प्रदेश के लोगों ने इनको जिताया, बड़े अहदे पर बैठा। जरा किसानों का भी ख्याल कर लेते, मायावती से तो ज़्यादा बढ़ाने चाहिए थे इनको भी, इतने कमजोर थोड़ा है योगी जी के उनसे पीछे रह जाएंगे जी। और बिजली का रेट भी हरियाणा में भी इनकी सरकार है, वहाँ पे 35 रुपये आस पावर है बिजली का रेट जी, और उत्तर प्रदेश में 175 रुपये है। क्या यहाँ का गेहूँ गन्ना ज़्यादा महंगा बिकता है क्या? कहीं कोई इससे ज़्यादा बिकता हो भाई, हरियाणा से बड़ा ज़्यादा बिकता हो देश में, हम ज़्यादा रेट ले रहे हों कहीं, तो भाई हम मंडी बता दें हमको जी। यहाँ पे गेहूँ की खरीद भी नहीं हुई। ठीक है, ठीक है सब, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि लखनऊ पहुंचने की आपकी कुछ मजबूरी है, क्या वो मजबूरी आई है उन पर भी नजर डालते हैं। आपके पास में लौटता हूँ सवाल के लिए, जल्दी से इन मजबूरियों पर नजर डालते हैं। दिल्ली बॉर्डर के आंदोलन में पहले जैसी तेजी नहीं रही।
लखनऊ में आंदोलन के ऐलान से समर्थन बढ़ने की उम्मीद है। किसान आंदोलन की मांगे बड़ा चुनावी मुद्दा बने। पश्चिमी यूपी में माहौल गर्माने की चर्चा में आएगा आंदोलन। पश्चिमी यूपी में बड़ी सियासी गोलबंदी में किसानों की अहम भूमिका होगी। भाजपा पर दबाव बढ़ाने के लिए सीधे लखनऊ घेरने का ऐलान। यूपी चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार पर दबाव डालने की एक कोशिश है, ये तमाम बातें कही जा रही है। अल्टीमेटम पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा प्लान है, लखनऊ को घेरने के पीछे का सियासी मकसद क्या है? किसान आंदोलन लखनऊ की ओर क्यों मुड़ा? दिल्ली छोड़कर लखनऊ जाने की क्या वजह है? यूपी चुनाव से पहले आंदोलन ने लिया सियासी रंग, क्या पहले से ही ऐसी रणनीति तय थी? क्या यूपी चुनाव के लिए इंतजार हो रहा था? ये तमाम सवाल है जो रह रहकर उठ रहे हैं। जी राकेश टिकैत साहब, दिल्ली में आप आंदोलन कर रहे थे, केंद्र सरकार से मांगते, बिल्कुल जवाब दीजिए, जवाब जवाब दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि भाई यूपी में भी तो दिक्कतें हैं, स्टेट में तो दिक्कतें हैं, तो वहाँ की तो बात करी जाएगी। दिल्ली में तो आंदोलन चल ही रहा है और दिल्ली में आंदोलन चल रहा तो यूपी में भी चलेगा, यूपी में चलेगा तो उत्तराखंड में भी चलेगा, हरियाणा में भी चलेगा, ये पूरे देश भर में चलेगा। अब चुनाव की तो प्रक्रिया है भाई, हमारी फसल गन्ने की या आलू की 3-4 महीने में 5 महीने आवे, चुनाव 5 साल में आवे, कोई ना कोई चुनाव आता रहेगा। अगर चुनाव आता रहेगा तो हम अपनी बात ना कहें। नहीं, सवाल इसलिए उठा राकेश टिकैत साहब, ये समस्या तो हरियाणा में भी है, तो हरियाणा खुद में आपने ये बात नहीं कही, आपने कहा लखनऊ को घेरेंगे, चंडीगढ़ को घेरने की बात तो नहीं कही। तो नहीं नहीं वहां तो घेर रखी ना, चंडीगढ़ तो घिरी रही, वहाँ के मंत्री कहाँ जा रहे हैं जी? यहाँ के तो मंत्री जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये गांव में जाएंगे। अब वैसे तो गांव में जाते नहीं है, अब चुनाव होगा तो चुनाव के मद्देनजर ये गांव में जाएंगे, तो गांव के लोग इनसे क्वेश्चन कर लेंगे भाई, इनको ट्रैक्टर पर बैठ के न कहेंगे भाई ट्रैक्टर पर आओ तुम बैठ के। अब ये ट्रैक्टर को तो ये मानेंगे कि ट्रैक्टर तो किसान का है भाई, ट्रैक्टर तो सबका है, पूरे देश को अन्न देता है ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर से इतनी एलर्जी कहीं की होगी इनको? ये तो सारे सवाल है भाई, ये जब गांव में जाएंगे तो क्वेश्चन तो जब ही होंगे ना। अब मसला तो ये अब है, अब चुनाव के टाइम पे ये गांव में जाएंगे तो इनसे बातचीत कर लेंगे। क्या कोई यूपी में जाना कोई पाबंदी है क्या हमारे पे? राकेश, हम तो कर्नाटक में भी गए, वहां तो चुनाव है नहीं, हम आंध्र प्रदेश भी गए, सब जगह जाएंगे हम तो भाई, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां जाएंगे हम जी। तो यानी आपका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूपी में चुनाव से पहले लखनऊ जाने की बात कहना किसी तरह की चुनावी राजनीति को अलग रंग देने जैसी कोई स्थिति नहीं? हमारा नहीं है, अभी चुनाव को तो अभी 7 महीने हैं, हम तो भारत सरकार से कह रहे कि भाई हमारे जो मसले हैं भारत सरकार के उसको भी समाधान करो, और जो उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के भी समाधान करो भाई। बिजली इतनी महंगी क्यों होगी? गन्ने का भाव तो बढ़ना चाहिए, आलू का किसान बर्बाद हो गया पूर्ण रूप से, गेहूँ का किसान बर्बाद हो गया, यहाँ पे जो इनके लोग हैं जो सरकारों में जो लोग हैं उन्होंने अपने वहाँ पे क्रय केंद्र लगवा के धान और ये वो खरीदा, यहाँ से गेहूँ खरीदा और वो MSP पे बेचा, इसकी तो जाँच एक बार हो जाए। हम 100 क्विंटल गेहूँ बेचने में पूरी सिफारिश लगती है, उसका लिखत पढ़ा तो जो ये व्यापारी गेहूँ खरीद रहा सस्ते में, ये फिर हजार हजार दो दो 55,000 क्विंटल गेहूँ कहाँ बेचता है? वो मंडी कौन सी है? हमें सीधा उसी मंडी का रास्ता बता दो कहाँ है। ठीक है राकेश जी, क्या एक और बयान आपने दिया, ऐतराज नहीं है, ठीक है, हमारा 100 क्विंटल नहीं। आपने एक और बयान दिया, आपने कहा कि ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है, ये हम जानेंगे कि ट्रैक्टर वाली तैयारी क्या है। आप हमारे साथ बने रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राकेश टिकैत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ये ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है इस बयान के बारे में जानने की कोशिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी और राकेश टिकैत साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लाइव सीधे लखनऊ से। राकेश टिकैत साहब, आज आपने कहा कि ये जो ट्रैक्टर है यही हमारे टैंक है, तो क्या कोई और आंदोलन की तैयारी हो रही है? इसके क्या मायने निकाले जाए आपके इस बयान? अच्छा ये बात तो बताओ, अगर हमारा ड्राइवर है कोई और ड्राइवर को हम पायलट कह दें तो कोई दिक्कत है इस देश में? नहीं, इस देश में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम प्रतिबंध है ड्राइवर को जो का सुन लो, बात तो सुन लो ना, बात सुन लो। अगर हम अपने ट्रैक्टर को
किसान अपने ट्रैक्टर को टैंक कह रहा, तो कोई ऐतराज है या इस पर कोई प्रतिबंध है टैंक कहना? हमारा ही जो जवान होता है वो किसान के वहां से जाता है घर से, नहीं दरअसल 26 जनवरी याद है लोगों को, इसलिए डरते हैं नहीं जाता कि पता नहीं साहब कोई ऐसे मायने तो नहीं इस बयान के। हाँ 26 जनवरी का भी बता दे, हाँ हाँ याद रखनी चाहिए 26 जनवरी। तो वो जाकर जब सीमा पर जाता है तो टैंक चलाता है वहाँ पे, जब वो गांव में आता है तो ट्रैक्टर चलाता है, और जो फ्री होता है देश का यूथ तो ट्विटर चलाता है। अब आप तो ये भी कहोगे कि ट्विटर भी खराब चीज़ है, तो टैंक ट्रैक्टर और ट्विटर हम तो तीनों चीज़ चलाएंगे, कोई ऐतराज़ है किसी को? और अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे, किसी को कोई दिक्कत है ट्रैक्टर को टैंक कहने पर? ना ना कोई दिक्कत नहीं, आप हवाई जहाज कहिए ट्रैक्टर को, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। हाँ तो ठीक, हाँ हवाई अरे ना हवाई जहाज नहीं कहते हम, टैंक कहेंगे टैंक जी। जो हमारा साथी है बंजर जमीन को पाड़ता है, उबड़ उबड़ खापड़ रास्तों में कुछ चलता है, जहाँ को कहीं ना जा सकते हो वहाँ कुछ चले, डोल डांडी आगे नीचे कुछ उसके अड़ जा कुछ आके तो उसको हटाने का काम करता है, तो ये तो टैंक ही तो है भाई, सारा काम करता है वो जी। उसमें बैठ के जाते हैं, यात्रा करते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं उसी में ही बैठ के। अब हमारे पास तो बस तो है नहीं भाई कि हम चमचमाती गाड़ियों में बैठ कर उसमें जाएंगे, हमारे पास ट्रैक्टर ही है, अपना सस्ता सा खरीद लिया, क्योंकि भारत सरकार ने तो ये बंद कर दिया, 10 साल पुराना आप चला नहीं सकते। हमने 10 साल पुराना ट्रैक्टर, 4 लाख ट्रैक्टर 10 साल पुराने दिल्ली की चमचमाती मखमली सड़कों को चला कर दिखाए जी। तो याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल राकेश टिकैत साहब, देखिए हम 4 लाख ट्रैक्टर चले थे ना दिल्ली में वो। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम भी ट्रैक्टर चलाते हैं राकेश टिकैत साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे अब कि आखिरकार। बढ़िया ठीक है जी 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 जी, बहुत बढ़िया ये तो जी, पर ये बताइए राकेश टिकैत साहब, अब हम तो ये चाहते हैं कि अब ये कब इस समस्या का कोई समाधान तो होगा, इस रात की कोई तो सुबह होगी, कोई आंदोलन है उसका, उसकी कोई परिणति तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, लोकतांत्रिक देश में, देश इसीलिए आजाद हो गया था क्या कि हम 8-8 महीने तक दिल्ली की चारों तरफ सड़कों पर बैठेंगे, सरकार बात नहीं मान रहे, लोकतांत्रिक देश में यही व्यवस्था है क्या? कोई हमसे बातचीत नहीं करेगा, यही व्यवस्था है? आप अपने कानून देकर आ जाओगे देश में, बड़े उद्योगपतियों का पार्लियामेंट पर कब्जा हो जाएगा, अपहरण होगा पार्लियामेंट का, और जबरदस्ती पार्लियामेंट की मोहर यहाँ का कंपनी वाले लगवाएंगे, ये तो नहीं सोचा था। पर राकेश जी कैसा है? राकेश जी कैसा? एक सवाल, देखिए वक्त कम है, एक ठीक बात है, बंधनों से मुक्ति कब होगी? मान लिया, लेकिन राकेश जी कैसा, जो पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उनको आप ही लोगों ने तो चुनकर भेजा है, तो उनसे सवाल पूछिए भाई, चुनकर आपने भेजा उन लोगों को, कैसे कर दिया उन्होंने ऐसा? सवाल तो पूछ रहे हैं ना, मैं कह रहा कि सवाल तो पूछ रहे हैं, देश की पार्लियामेंट बड़ी है या देश का उद्योगपति बड़ा है? आप जरा प्यार से इसका भी जवाब दे तो जनता सुन ले। नहीं बिल्कुल, चैनल वालों की सोच में क्या है कि पार्लियामेंट बड़ी है देश की या उद्योगपति बड़ा है? देखिए टिकैत साहब, मैं आपको बता दूं, आप भी दे दो एक आपके सवाल का जवाब। अरे मैं दे रहा हूँ जवाब, सुनिए 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 मेरा जवाब सुनिए। आप बताओ, हमारे लिए देखिए लोकतंत्र जनता से बनता है, लोग जो कि किसान है, हमारे लिए किसान सबसे महत्वपूर्ण है, देश की संसद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चुनकर भेजते हैं, हम किसान के बेटे उन सांसदों को संसद में चुनकर भेजते हैं, बाकी की बात उसके बाद में, बाकी की सरकारों की बात उसके बाद में। पर ठीक है सब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम पार्लियामेंट को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, देश का किसान भी मानता है, चैनल भी मानते हैं, देश का नौजवान भी मानता है, लेकिन वो कौन सी पार्लियामेंट है कि जिसमें व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए, उनका कब्जा पार्लियामेंट पर होके उन्होंने अपने कानून बनवाए, देश में गोदाम पहले बने और कानून बाद में बने, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के अंदर तक व्यापारियों की पहुंच चली गई, ये सरकार जो है ये कंपनी की सरकार। ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं वक्त खत्म हो रहा है, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल, आप लखनऊ में है, कंपनी की सरकार नहीं चलेगी। ठीक है ठीक है सर, आप लखनऊ में, लखनऊ के बारे में कहते हैं कि आप लखनऊ में मुस्कुराइए, लेकिन आप तो नहीं मुस्कुरा रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि
और गुस्से में दिख रहे हैं टिकैत साहब। नहीं नहीं, लखनऊ का अगर लखनऊ समाधान नहीं करेगा तो भाई लखनऊ से तो समाधान करवाने आए हैं ना किसान, समाधान करो हमारा। योगी जी हमारे गन्ने के रेट बढ़ाओ। योगी जी कोई दोनों तीनों मुख्यमंत्री से कमजोर है क्या? उनसे तो मजबूत हैं योगी जी। ठीक है, गन्ने का रेट बढ़ाओ 100-150 रुपए। ठीक है टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ लोगों, वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राकेश टिकैत का कहना है कि 5 सितंबर को महापंचायत होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने तेवर जता दिए। फिलहाल आज बात तो चुभे के मिलते हैं, इजाजत, नमस्कार।